दोस्तों नमस्कार, भाइयों बहनों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। मेरी आज की वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। हो सकता है कुछ लोगों को डर भी लगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो डर को कंट्रोल करके फिर अपने डरने के बाद भी मतलब जो डर को कंट्रोल करते हैं तो वो ओवरकम कर जाते हैं इस तरह की चीज़ों से, जिसको आप पैरानॉर्मल भूत प्रेत कहते हैं। इस वीडियो में मैं वीडियो के एंड में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन होगा उसमें दो चैनल्स का लिंक डालूंगा। एक तो सर्वसत ब्लॉग करके हैं। वो क्या कर रहे हैं कि बड़े फर्जी वाड़ा करने वाले जितने भी यूट्यूबर हैं जो भूत वूत दिखा रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं, ऊपर से सामान गिरा देते हैं, उनकी बड़ी अच्छे से सर्विसिंग कर रहे हैं वो आजकल। मैंने किसी एक चैनल के नाम लिया था, मैंने KKR कोलकाता नाइट राइडर लास्ट वीडियो में मैंने सोचा था उस लोकेशन तक पहुंचने का, लेकिन लकीली मैंने देखा कि कोई और तो पहले कर चुका है ये, और वो सर्वसत व्लॉग ही करके उन्होंने ये किया था। और सच में बता रहा हूँ, मैं अप्रिशिएट करता हूँ उनको कि उन्होंने इतनी मेहनत करके कहाँ मथुरा वेस्ट यूपी से लेकर के राजस्थान किशनगढ़ गए हैं। अब उनसे मुझे पता लगा है कि वो लोकेशन जो है वो किशनगढ़ का है, क्योंकि मैंने अज्यूम कर रखा था या मुझे लगा था कि ये पुष्कर का है, पुष्कर मैं जा चुका हूँ। ये दोनों बड़े अलग अलग हैं, बिल्कुल काफ़ी अलग अलग हैं ये दोनों। अब देखिए, उस चैनल वाले ने लोकेशन बताने में भी फर्जीवाड़ा किया है, तो वो तो घूम घूम करके आ गए, उन्होंने दिखा दिया है बिल्कुल क्या उसकी सच्चाई है उस वीडियो की, वहाँ गए ना आग लगा ना कुछ हुआ, वो दिखा कर आ गए। तो ऐसे लोगों को भी आप सपोर्ट कीजिए जो आपके लिए मतलब इतना कुछ कर रहे हैं। एक पैरानॉर्मल को लेकर के जो भ्रांतियाँ फैली हुई हैं ना, कन्फ्यूजन्स, उसको ख़त्म कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं, रात में जा रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, ऊपर से आपको पता है कि डीजल पेट्रोल मतलब क्या रेट है तो सबको पता है। तो थोड़ा अगर आपके लिए कोई करता है तो उनको भी देखिए सपोर्ट, हर को एक दूसरे के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। और एक और चैनल का लिंक मैं शेयर करूँगा, ये मिस्टर रिथ देव हैं, ये इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी में इन्वेस्टिगेटर रहे हैं या हैं, अभी भी हैं, मुंबई टीम में हैं ये। गौरव भाई के साथ इन्होंने मुंबई में कुछ इन्वेस्टिगेशन किया, इन्होंने अपना एक चैनल लॉन्च किया है पैरानॉर्मल पे, ये पैरानॉर्मल की बातें करते हैं। और आपको अगर नॉलेज चाहिए पैरानॉर्मल को लेके तो आप इनके चैनल को ज़रूर फॉलो करना, आपको एक्यूरेट अप टू डेट ये नॉलेज देंगे। मिस्टर रिथ देव यही हैं और आप फ़ोटो इनको देख सकते हैं, गौरव तिवारी भाई के साथ हैं, तो इसमें कुछ भी आशंका नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं आज की वीडियो पे, जो आज की वीडियो होने वाली है। देखिए, जो आज की वीडियो होने वाली है ना, ये मेरे कुछ रिकॉर्डेड फुटेजेस हैं जो कि बहुत ही जेन्युइन माने गए हैं दुनिया में, मतलब इंडिया में ही नहीं, दुनिया में कहीं और भी जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, बाहर कंट्रीज़ में भी, क्योंकि जिस तरह का मैंने टेक्निक या इक्विपमेंट यूज़ किया था। एक तो फुटेज जो है वो गौरव तिवारी जी से मैंने कम्युनिकेशन किया था उनके बर्थडे पे 2016 में, उसका है। देखिए, कुछ भी यहाँ से गुजर जाने का मतलब है ना, वो मच्छर भी हो सकता है, इंसेक्ट भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, लेकिन आपके कहने पे, आपके कमांड पे कि क्या मुझे कोई ऑर्ब दिख सकता है इस वक्त, और अगर ऐसा होता है डस्ट पार्टिकल आपकी बात क्यों मानेगा, या मच्छर या इंसेक्ट आपकी बात क्यों मानेंगे कि आप बोलोगे तो अपीयर हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो उन वीडियोस में ये है, और ये मैंने ही ट्रेंड शुरू किया था कि पहले लोग फोटोग्राफ को देख करके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे, अरे और भाया और भाया, लेकिन फ़ोटोग्राफ्स को तो मैंने देखना ही छोड़ दिया है। और अब यकीन मानिए कि कई लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया जिन्होंने कहा कि उनको अपने गुजरे हुए मॉम से बात करना है, डैड से करना है, सिस से करना है, और इसी तरह के मिलते जुलते फुटेजेज आए। मैंने उनको पूरा गाइड किया था कि हाँ, आप रूम में जाइए, मोबाइल फ़ोन लीजिए, फ्लैश लाइट ऑन लीजिए। धार माइंड गूगल पे लाने वाले ही गौरव भाई है और इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी है 2014 में। जी न्यूज़ के साथ जो शो हुआ था हमारा, लाइव था वो
वो शो स्टार्ट हुआ था शाम के 7 बजे से लेके 11 बजे तक चला था, उससे काफ़ी ज़्यादा वो लाइमलाइट में आया था। हालांकि कुछ खास इन्वेस्टिगेशंस तो वहाँ नहीं हो पाई थी, क्योंकि गौरव भाई जो है वो राहुल सिन्हा जी हैं जो उनके एंकर हैं उनके साथ थे, और मतलब वो जो क्रीव होते हैं कैमरा क्रीव लाइट वाले होते हैं उनके साथ थे। मैं अलग अलग जगह पे घूम करके इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, मोस्ट ऑफ द टाइम आई वॉज अलोन। तो उसमें मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मिली थी जो मैं आज आपसे शेयर करना चाहता हूँ, और वो दिखा भी देता हूँ मैं आपको कि हाँ मुझे वो किस चीज़ से मिली थी, किस इक्विपमेंट से मिली थी। आपने नाइट विज़न कैमरा देखा होगा, आपने बहुत सारे इक्विपमेंट देखे होंगे, K2 आप देखते रहते हो, EMF मीटर्स एंड सब कुछ देखते रहते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि हाँ मुझे वो किस इक्विपमेंट से मिला था वो फुटेज। देखिएगा बड़ी इंटरेस्टिंग फुटेज है, बहुत सारे लोग डर भी जाएंगे। मेरे हाथ में जो ये है ना, इसको कहते हैं ट्रेल कैमरा। इसको फोकस कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। अगर आपको पता नहीं ठीक से, क्योंकि ये फोकस्ड है मेरे चेयर पे, इसको फोकस कर देता हूँ। अब मुझे लगता है फोकस हो गया है, ठीक है। देखिए इस कैमरे में ना, एक तो ये है इमेज सेंसर जो कि वीडियो लेता है, ये और ये क्या है, ये मोशन सेंसर्स है। मतलब इस उस साइड अगर कुछ मोशन होता है, इस साइड कुछ मोशन होता है, सामने कुछ मोशन होता है, तो उसको डिटेक्ट करते ही ये क्या करता है, इसके अंदर में एक सर्किटरी है उसको ऑन कर देता है, और बिल्कुल नाइट विज़न में ये वीडियो बना लेता है या फोटोज़ भी ले लेता है, वीडियो के साथ ये फ़ोटोज़ भी ले लेता है। इसकी खासियत ये है इस कैमरे की। एक बात और बता रहा हूँ, इसमें टेम्परेचर सेंसर भी है, अगर सामने कुछ टेम्परेचर में चेंज आता है तो इसका जो मोशन सेंसर है जो कि रिकॉर्डिंग को एक्टिवेट करता है, वीडियो रिकॉर्डिंग को शुरू करता है, वो एक्टिवेट हो जाता है और रिकॉर्ड करता है। ये बेसिकली इसको कहते हैं ट्रेल कैमरा या स्टेल्थ कैमरा, इसको यही कहा जाता है। अब आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डिस्कवरी नेट जियो में बहुत सारे शोज़ में देखे होंगे कि इसको पेड़ पे लगा दिया जाता है ऐसे करके, और कोई भी टाइगर आया या कोई भी जानवर ऐसे है तो जो साइंटिस्ट को, एनिमल साइंटिस्ट को जो फुटेजेस या वीडियो चाहिए होते वो मिल जाता है। और इसमें मैंने चेंजेस क्या किया था, है तो ये ट्रेल कैमरा स्टेल्थ कैमरा, ठीक है, ये 850 नैनोमीटर का इस पे IR LED था, इंफ्रारेड सेंसर था 850 नैनोमीटर का, जो आपके नॉर्मल CCTV में होता है। मैंने इसको इन्हेंस करने के लिए क्या किया था कि ये LEDs का ये पैनल निकाल के इस पे 940 नैनोमीटर का LED लगा दिया था, जिसको कि माना जाता है कि ये ज़्यादा डीपर IR बैंड है, और भूत प्रेत के बारे कहा जाता है कि हाँ चांसेस होते हैं कि ये इसमें आ जाए। अब ये देखिए यहाँ कार्ड लग जाता है इसमें, ठीक है, इसमें यहाँ कार्ड लग जाता है, और ये मोड है फोटो प्लस वीडियो ओनली वीडियो। अब ये सारे इसके पैनल पे है, यहाँ बैटरीज लग जाती है, ठीक है, और आपको लॉन्ग यूज़ अगर करना है तो इसमें एक्सटर्नल पावर सप्लाई का भी सोर्स है, लाइक सोलर पैनल आपने लगा दिया, आपको 10 दिन का बैकअप चाहिए तो सोलर पैनल लगा दिया और उसको पेड़ पे बांध दिया, वो तो हो गई वाइल्ड लाइफ के बारे। इस कैमरे को मैंने यूज़ किया था लंबी धार में, वो पूरी वीडियो आप देखोगी मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको, और जो चीज़ देखा था ना, सच पूछिए तो वहाँ तो हमारे पास लंबी धार में था नहीं, लैपटॉप मेरे पास नहीं था, लेकर नहीं गए थे, और ऐसा कैसे हो सकता है कि अभी लगाया। और बस मैंने इसके डिस्प्ले पे देखा था, मुझे कुछ लगा कुछ ऐसे कुछ हुआ है अपने आप, मैंने सोचा अपने आप कैसे वीडियो बन गई, ना मैं गया हूँ ना कोई गया है यहाँ पे, अपने आप वीडियो, वो कुछ समझ नहीं आया। लेकिन जब मैं वापस दिल्ली आया और इसके कार्ड को निकाल के मैंने कंप्यूटर पे डाला और जो आवाज़ सुना था, मैं हिल गया था। अब जो फुटेज आने वाली है ना, ये बड़ी मतलब एक इस तरह की फुटेज है, इस तरह का ऑर्ब है जो कि दुनिया के बड़े बड़े पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स उसको अब तक समझा नहीं पाए हैं। दोबारा देखिए,
पता है क्या, जो फॉरेन के विदेश के इन्वेस्टिगेटर्स हैं उनको कुछ ऐसी चीज़ दिखती है ना, वो कहते हैं नहीं ये टेक्निकल ग्लिच है, ये बग है, कैमरे का बग है। अब भाई आप भी देखना कैमरे का बग कैसा होता है, बार बार दिखाऊंगा आपको मैं। देखो बहुत स्लो में, देखो कलर कैसे चेंज हो रहा है इसका, देखना ये यहाँ। अच्छा, इस फुटेज को 90x स्लो करने के बाद भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है आपको दिखाने के लिए, सब कुछ इतना फास्ट हुआ था। देखो एक मिनट, ये देखना देखना देखना, एक ये कैसे आता है। हाँ आया, कलर अलग है, दोबारा देखना आप इसको। मैं सच बता रहा हूँ कि मेरे पास ना रिसोर्सेस टूल्स कम पड़ गए हैं, मैं कैसे दिखाऊँ आपको, बस जिद तो है, दिखाऊँगा तो ज़रूर। कलर देखा, कलर कैसे चेंज हुआ, पहले ये कलर है, अब देखो गायब। दोबारा दोबारा दिखाता हूँ, इतनी जल्दी, मतलब स्पेस बार के जो स्पेस बार होता है आपके कीबोर्ड का, इतनी जल्दी गायब। हाँ ये दिखा, अचानक ब्लू हो गया, उसके बाद लाइट कम होने लगी, गायब। तो ये सारी कुछ बातें हैं ना जो मुझे सोचने पे मजबूर करती है। भाई मैं भी इंजीनियर हूँ, साइंटिफिक चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ। जो मुझे दिखता है, जो मुझे दिखा है, वही मैंने आपको दिखाया है, और दिखाने की मैंने कोशिश की है कि हाँ ये चीज़ें कितनी तेज़ होती हैं, कितनी फास्ट होती हैं। आपको ये जो आवाज़ सुनाई दी ना, ये ब्रीदिंग वॉइस, ये मुझे तो नहीं लगता है किसी इंसान की थी, क्योंकि दूर दूर तक वहाँ कोई नहीं था। और आपको मैंने पहले कैमरा दिखा दिया कि कौन सा कैमरा रखा गया था वहाँ पे, स्टेल्थ कैमरा। दोबारा देखिए, देखो यहाँ से उठाए, देखो ये यहाँ से उठाए और यहाँ से गायब हुआ है, यहाँ से उठाए, बीच में कुछ नहीं पता लगा, यहाँ से गायब हुआ है। कंट्रास्ट करके दिखा रहा हूँ, देखो ये यहाँ पे एक फ्लैश आया और यहाँ से गायब हुआ, देखो यहाँ से देखा गायब हुआ, देखो ध्यान से देखो। क्या हो रहा है, इस एरिया को देखना। हाँ दोबारा देखो, देखो कुछ लग रहा है चेंज होते हुए, ये हाँ कुछ लगा चेंज होते हुए इस जगह पे, कुछ लगा। अच्छा रोकता हूँ, यहाँ देखना, ये यहाँ से उठा है, यहाँ के बारे तो कुछ उतना पता नहीं लगा क्योंकि हाईली कॉन्ट्रास्टेड है, ये हाईली कॉन्ट्रास्ट वाला इमेज है। ये भी ओरिजिनल नहीं है, यहाँ भी काफ़ी कुछ कंट्रास्ट वगैरह पड़ा हुआ था। यहाँ देखिएगा आप, उठा यहाँ से निकला। यू नो अब मेरी कोशिश है ना कि आपको रियल फुटेज दिखाऊँ, मतलब जो रॉ फुटेज है। देखिए रॉ फुटेज यहाँ है, ये IMG-6, ये है रॉ फुटेज। हाँ इसकी प्रॉपर्टी देख लीजिए आप।
मॉडिफाइड सैटरडे 9 अगस्त 2014। ठीक है, क्रिएटेड मतलब मैंने कॉपी किया था यार, क्रिएटेड मॉडिफाइड एक्सेस्ड, ये तो आज का है। सिक्योरिटी डिटेल्स, डिटेल्स आप देख लीजिए जो डिटेल आपको मिलेगा। छोटी सी फाइल है, 79.3 MB की है। इस पर मत जाइएगा, कारकाडोमा, कारकाडोमा का कोई रिलेशन नहीं है, बस एक फोल्डर में था ये, पेरेंटल रेटिंग यहाँ कुछ भी नहीं है ये। चलिए अब इसको देख लेते हैं एक बार। देखिए, अच्छा मैं पहले बोल रहा हूँ ना कि फुटेज को प्ले करने से पहले ना मैं आपको कुछ कहना चाहूँगा। इस एरिया पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ जहाँ पे मेरा माउस चल रहा है, ये रॉ है, बिल्कुल रॉ फुटेज है। 2014 टाइम है 16:58:27, मतलब 4:58:58, ऑलमोस्ट 5 PM। देखना, देखिए आप, देखा यहाँ कुछ? देखा नहीं? देखा ना, देखो देखो, मैं इसको कर्सर को जो ब्रीदिंग वॉइस आई थी, यहाँ कोई भी नहीं था। और हाँ, मुझे कुछ अटपटा सा लगा था, तो ये जो देख रहे हो ना, मैं यहाँ बैठा रहा था सारे टाइम, मतलब काफ़ी टाइम मैं यहाँ पे बैठा रहा था, क्योंकि गौरव भाई जी न्यूज़ के टीम के साथ वो इंगेज थे, बिजी थे, और शो वगैरह चल रहा था, बातें हो रही थी क्या करना है नहीं करना है, बट मैं यहाँ पे काफ़ी टाइम बैठा रहा था, ऑलमोस्ट 2 घंटे मैं बैठा रहा था फ़ोन को लेकर के। अपने सिग्नल नहीं आ रहा था यहाँ पे, कोई भी सिग्नल नहीं आता था उस टाइम फ़ोन का, हो सकता है अब आता हो, उस टाइम नहीं आता था, कुछ भी नहीं आता था। तो आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू गेट सिग्नल ऑन माई मोबाइल फ़ोन, तब मुझे यहाँ पे लगा था कि कुछ तो लोचा है इधर यहाँ पे। दोबारा देखो, ये रॉ फुटेज है, देखना। ये आवाज़ नोटिसेबल थी, हमने इस पे काम किया था, लेकिन बहुत एनालिसिस करने के बाद देखा कि नहीं, कुछ विजुअल भी है और ये बड़ा क्लियर है। ये देखना, देखा नहीं? देखा, दिखाता हूँ दोबारा, मेरा काम है आपको बार बार दिखाना। इस फुटेज को हमने रॉ डाल दिया था, IPS के पेज में डाल दिया था, और बड़ी गाली गलौज हुई थी, कुछ नहीं दिखा, मतलब माँ बहन सबकी गालियाँ मिली थी। लेकिन अभी मैं जिस तरह के टेक्निक्स है, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखाऊं। बस मोबाइल पे अगर आप देखते हो तो आप ब्राइटनेस बढ़ा लेना, और जिनके पास लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो चीज़ों को ज़्यादा समझ सकते हैं। ये देखा, देखा यहाँ, देखना क्या होता है, देखा। अब सवाल ये है कि अगर कोई सिगरेट पी रहा होता और धुआं होता, तो उसका पैटर्न आप समझ सकते हो कैसा होता है। पिछले वीडियो में दिखाया है, जब मैंने इन्हेंस किया था तो ये यहाँ से उठा था, यहाँ कुछ नहीं पता लगा, और सीधा यहाँ से ऊपर चला गया। धुआं होता तो धीरे धीरे एक पैटर्न फॉलो करता ना, ऐसे जाता या ऐसे जाता, लेकिन ये बड़ा अजीब था, यहाँ से उठा, यहाँ गायब, फिर यहाँ से ऊपर। ये वीडियो आपको कैसे लगी आप बताइएगा, ये ऑनेस्टली बताइएगा। देखिए, मेरे वीडियोस में आपको कभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि वहाँ आग लग जाए या कुछ ऊपर से टूट के गिर जाए, और सच में जिस दिन ऐसा हो जाएगा मैं तो चाइना भाग जाऊँगा, उस दिन यहाँ नहीं रहूँगा।
खैर मजाक कर रहा था मैं, जब ऐसा होगा तो देखा जाएगा। अब तक मैंने देखा नहीं कभी ऐसा हो गया कि आग वाग लग जाए, कुछ टूट के गिर जाए, ये पता नहीं ये रेलिंग ही टूट के गिर जाए या मेरे ऊपर आ जाए। होगा तो मैं दिखाऊंगा ज़रूर, रिकॉर्ड हुआ तो। और आप सबको यही बोलूंगा कि आप जो भी जेन्युइन लोग आते हैं इस फील्ड में, उनको ना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रोत्साहित कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। तो देखिए, कभी देर मत कीजिए कभी किसी जेन्युइन को मोटिवेट करने में। मुझे मालूम है जिस दिन मेरी वीडियो आना बंद हो जाएगी, शायद किसी कारण हो सकता है मैं अपने काम में बिज़ी हो जाऊं, जब मुझे लगेगा यार ये सब करके कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। कई लोग आप मिस करोगे ज़रूर कि नहीं आजकल राज की वीडियो नहीं आती है। अब तो ऐसी बात है कि जहाँ मुझे, देखिए मुझे अपनी फैमिली को देखना है, अपने परिवार को देखना है, मॉम को देखना है, भाई को देखना है, काफ़ी कुछ है मेरे साथ लायबिलिटी। तो जो मेरा जो मेन काम है, जो प्रोडक्टिव काम है, मैं उसको करूँगा ना, क्योंकि मुझे मालूम है कि पैरा में मैं जो कर रहा हूँ उससे कुछ नहीं होने वाला, मतलब फाइनेंशियल मेरे को कोई बेनिफिट इससे नहीं है। लास्ट ईयर भी एक वीडियो की थी कि हाँ हमारे मेरे चैनल पे क्या अर्निंग होती है। देखिए 1 मिलियन का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, आपको आज क्लियर ही कर देता हूँ मैं, 1 मिलियन व्यू का मतलब होता है 12,000 रुपीज़ से लेकर के 18,000 रुपीज़, डिपेंड करता है आपकी वीडियो कितनी ट्रेंडिंग रही है। 1 मिलियन आपने शायद ही देखा होगा कोई वीडियो मेरी गई हो, सिर्फ 2 वीडियो है जो 3.5 एक 3.8 SSR, वो भी SSR के नाम के कारण गई थी। अदरवाइज़ वो नॉर्मल कोई पैरा इन्वेस्टिगेशन होता 50,000 भी नहीं जाता वो। और एक जो गई थी वो GT भाई के नाम के कारण गई थी, 3.4 या 3.5।